भारत के गौरवशाली इतिहास में कारगिल का विजय वो सितारा है जिसकी यशोगाथा याद करते हुए सिर फक्र से ऊंचा हो जाता है। कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। उसी श्रृंखला में भोसले मिलिट्री स्कूल के तत्वाधान से कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में देश पांडे सभागृह में कार्यक्रम आयोजित किया गया। माँ भारती के सम्मान हेतु दुश्मनों को खदेड़ कर हमारे वीर सपूतों ने 60 दिन संघर्ष कर कारगिल पर विजय हासिल की थी। ये सम्मान की और अभिमान की गाथा आज की पीढ़ी को उसी सजीवता से सुनाई जाए जिस जज्बे से जवान लड़े थे। इसी उद्देश्य के साथ भोसला मिलिट्री स्कूल द्वारा ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समय देश पांडे सभागृह के प्रांगण में तिरंगा ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, तो सभागार में मुख्य अतिथि के तौर पर पुलिस आयुक्त मितेश कुमार मौजूद थे। इस समय दिखाई गई ध्वनि फीत के माध्यम से विजय दिवस की महिमा को अल्प मात्रा में कथित किया गया। गौरतलब है कि भोसला मिलिट्री स्कूल पिछले 23 सालों से यह कार्यक्रम मना रहा है। इस समय चेयरमैन शैलेश दोलघेकर ने विशेष अतिथियों का परिचय देते हुए उनके जीवन की उपलब्धियां बताई। फोटो निकलता है वो ई चालान जो सिस्टम है वो अमितेश जी ने पूरे महाराष्ट्र में चालू किया, जिसके कारण आज अपने ट्रैफिक के रेगुलेशन में इतनी जो सुधारणा आई है वो उनके उन्होंने जो अग्रसरों के काम किया है उसके कारण वो आज हम लोग ये देख रहे हैं। श्री अमितेश जी को जो विशेष कार्य किया इसलिए डिजीज इंसिग्निया से प्रदानित हुए हैं, और 2012 में जो अतुलनीय कार्य उन्होंने पुलिस सेवा में किया है उसके लिए राष्ट्रपति पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ है। ऐसे श्री अमितेश जी आज हमारे सामने अपने कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति के रूप में उपस्थित हुए हैं। मुझे आशा है कि एक बहुत बड़ा आदर्श आपके सामने खड़ा है और उस आदर्श को आप अच्छे से फॉलो करेंगे, ऐसी मुझे आशा है, और मैं उनसे विनती करता हूं कि कृपया मार्गदर्शन करें। सूर्य रतन डागा, चेयरमैन CHMES नागपुर। श्री राहुल दीक्षित, सेक्रेटरी CHMES नागपुर। श्री शैलेश जोगलेकर, चेयरमैन BMS नागपुर। कर्नल अमरेंद्र हरदास, कमांडेंट BMS नागपुर। श्री अजय शिरके, हेडमास्टर भोसला मिलिट्री स्कूल नागपुर। The eminent dignitaries present here, and most importantly, the young students of the Bhosla Military School Nagpur and their proud parents. At the outset, let me congratulate everyone on the 24th anniversary of the Kargil Vijay Diwas, and I must tell you, it is indeed a very, very proud privilege to be a part of this celebration on the 24th anniversary of this Kargil Vijay Diwas. It was indeed a very pleasant occasion to take the very smart guard of honor by the young cadets of the Bhosla Military School, the very disciplined, well turned out, confident young cadets, equally confident horse riders and the well trained horses, the very nice wreath laying ceremony, and in a very disciplined atmosphere the whole parade there was commanded, for which I must thank and congratulate the commandant of the Bhosla Military School and all the instructors who are playing a very, very pivotal role in molding and guiding the young cadets in the Bhosla Military School. I mean, looking at the way they conducted themselves, I must say that it is as well trained, as well disciplined as any other police force or a parade by an army contingent. I congratulate all the instructors, and I know the amount of hard work you must be putting in, and the amount of hard work, the amount of sweat the young cadets must be undergoing in achieving, in reaching to this level. NBC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।